इस वक्त हम कोटरंका में मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये जावेद इकबाल चौधरी के चाहने वाले लोग बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं और इन बुज़ुर्गों से बात करेंगे। जी क्या नाम है, कितु आए तुम? अभी तो आया मदारते आया। अच्छा, आने वाले टाइम में ये जो इलेक्शन इस वक्त होने जा रहा है, किसको वोट करेंगे? हम करेंगे नेशनल को, नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ, नेशनल। किस तरह की लहर है इस इलाके में? बिल्कुल ठीक ठाक है, सब इसी को वोट देंगे। हाँ, तो ये नौजवान भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। ये इलेक्शन का माहौल जो चल रहा है, काफी ज्यादा लोग यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहिए? सर आप देख सकते हो जनसभा, पीछे हजारों की तादाद में नौजवान इकट्ठे हुए हैं। 60% नौजवानों का वोट है, हम जावेद इकबाल चौधरी के वोट हक में डाल के उनको जिता के यहाँ से भेजेंगे। ये किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जावेद चौधरी हारेगा, इंशाल्लाह वो जीता हुआ है। उसके मुकाबले में इस टाइम अगर कोई है, कोई है ही नहीं है, मुकाबला ही नहीं है उनके। हम आज जो नॉमिनेशन फाइल किया गया है बड़ी सादगी के साथ, ये उनका एक एग्जाम मतलब पेपर होता है ना, ये उनके हमने फाइल है। हम ये को हमने प्रोग्राम कुछ भी नहीं रखा हुआ था, ये लोगों का प्यार है, ये प्यार अपने दिखाने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं। जावेद साहब ने लोगों को मना भी किया था कि हम कुछ रैली कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे, उनके बावजूद भी लोग देख सकते हो कितने हजारों की तादाद में लोगों का प्यार देखो, ये होता है। आज यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हम जो है वो सादगी के साथ नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे, फिर भी यहाँ पर लोग, आप लोग फिर भी आ गए। देखिए सर, सब लोगों को मना किया गया था कि आज हमने रैली नहीं करनी है, लेकिन फिर भी लोग, ये जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, ये अपनी मर्जी से लोग आए हैं। देखिए हमारा किसी के साथ मुकाबला नहीं है यहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का किसी के साथ मुकाबला नहीं है। इलेक्शन जो है वो टोटल वन साइडेड है, और ये जितने भी गरीब लोग हैं ये सारे जख्मी लोग हैं, क्योंकि माजी में यहाँ जो हुक्मरान रहा है उसने तमाम गरीब लोगों को जख्मी किया है, इसलिए उन लोगों का ये जो ये दुख है ये दिखा, ये चीज़ आज यहाँ पर साबित हो रही है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पे भारी तादाद में, भारी एक्सीडियंस के साथ बुद्दल और कॉन्ट्रैक्टर की सीट जो है वो जीतने जा रहे हैं। आज जावेद साहब नॉमिनेशन फाइल करनी थी, उन्होंने कहा था जलसा नहीं होगा, तो आप लोग फिर भी आ गए। हमारा जज्बात आ गया है। अच्छा। हमारी मजबूरी आ गई है, जो हमारे साथ हुआ हमें तो आना है ना। अगर आज हम गरीब लोग, फिर क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ पहचान के? हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, और 10-20 साल इन्होंने हुकूमत की, जब ये स्टेज पर आज आए हैं बोलते हैं 70 साल से इन लोगों ने दबा कर रखा। जिस इंसान की 70 साल अब एज नहीं है, उसने क्या जुल्म किसी सरपंच में और मेंबर में फर्क होता है ना, और कैबिनेट मिनिस्टर में तो DDC तो सरपंच में आप फर्क नहीं सोचते। काम किसने किया? काम जावेद साहब ने किया है। अच्छा। रात दिन हमारे बीच में रहे, हम जावेद साहब हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है, हमारी दुआएं उसके साथ है। जो जावेद साहब ने 3 साल किया वो इन्होंने 20 साल नहीं किया। हाँ एक काम किया है लोगों ने, बीजेपी तो बोलती है कि हमारी टक्कर में कोई है ही नहीं है। और बीजेपी ने क्या किया, हमारा गला काटा, एक बोरी चावल मिलती थी तो 2.5 किलो देते हैं। अच्छा। हाँ 2.5 kg चावल मिलती है तो 10 आदमी खाने वाले। जी जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं हुबी पंचायत से हूँ, मेरी पंचायत का वोट 1900 वोट है, उसमें से लगभग 400 वोट दूसरी पार्टी ले जा सकती है, बाकी 1500 वोट जावेद साहब का है, और इंशाल्लाह जावेद साहब
10,000 की रीड लेके जीतेंगे। तो आज आप लोग जलसे में तब्दील हो गए, आज तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए थे, आज लोगों को नहीं बुलाया था, तो आप लोग क्यों आ गए? तीन जनाजे कल हुए हैं, हमारा मुनासिब नहीं बोलता कि हम आज ढोल धमाके, यहाँ एक डेथ हुई उन्होंने इस दुकान में, बीजेपी वालों ने यहाँ ढोल धमाका बजाया और उसी घर का वो लीडर भी लड़का है उसकी ताई मार गई उसने यहाँ ढोल धमाका। आप क्या बोलना चाहोगे? मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है? आप लोग ये जो दूर दराज इलाके के लोग हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दिल्ली तक हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं। मैं आपको बताता हूं, आज़ाद साहब आपका शुक्रिया भी है, अमीर भाई आईएमई में सब मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि एक ही वेव्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, यहां वेव्स है आने वाले टाइम में से, यहां जावेद चौधरी साहब बाहरी अक्सरियत में जीतेंगे। जिन लोगों ने कल डोल और तमाशे किए हैं, मैं उन लोगों को बताता हूं, खुदा रहा आप बताइए पिछले 10 साल में इलेक्शन हुए क्यों नहीं? आप यही तो लोगों को बता दीजिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, यहाँ पर तरक्की के काफी ज्यादा इश्यूज हैं। मैं बेरोजगारी पे लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर 370-35A पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है, जो हर हिंदू पहाड़ी सबको लेके चलने वाली जमात है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है और उस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहा है, बेरोजगारी पे इलेक्शन लड़ रहा है, ये जो फूड सेफ्टी एक्ट लगा है इस पे इलेक्शन लड़ रहा है, क्या क्या बताएं, रोडों की क्या हालत देखी है। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनाब हमने आपके इकदार तो देखे हैं, हमने तो देखे हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसियां लोगों को पसंद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा भाईचारे को कायम रखा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख ईसाई, जो शेख साहब का नारा था हिंदू मुसलमान, क्योंकि हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, इसमें वही रहते हैं जो एक पहाड़ी भाइयों को। मैं बीजेपी की पॉलिसी वाजह करना चाहता हूं कि बीजेपी की ये पॉलिसी है, बीजेपी की ये पॉलिसी है, हिंदू और मुसलमान को अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये पॉलिसी नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक भाईचारे से साथ चलती है। तो आने वाले टाइम में देखेंगे यहाँ के हमारे आने वाले सीएम उमर अब्दुल्ला साहब होंगे और यहाँ से जावेद साहब बाहरी एक सिर से जीत के जाएंगे, हमारी बात करेंगे, वो हर पहाड़ी की बात करेंगे, गुजर की बात करेंगे। हमें बड़ी खुशी होती है जब मियाँ साहब जाके दिल्ली में बात करते हैं, इससे बड़े फख्र की क्या बात है। इन लोगों की नुमाइंदगी अफताब मजीद हमारे साथ मौजूद है, किस पैटर्न पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का प्रोसेस जारी है, क्या कहेंगे? गुंदाखवास काफी दूर दराज इलाका है, आज भी सड़क नहीं है, पहली पोलिंग पार्टी जो है वो पैदल चल के वहां पर पहुंची है, तो क्या लगता है आपको आने वाले असेंबली इंतखाबात अगर होते हैं, तो अगर इक्तदार में आपके जो उम्मीदवार हैं वो इक्तदार में आते हैं, तो किस पैटर्न पर यहां पर डेवलपमेंट की जाएगी? सर लोगों ने देखा है कि जैसे जो यहां से लीडर तैयार हुए थे उन लीडर्स की वो बड़े दूर चले गए, जो लोग 30 साल पहले जिनके रजौरी में भी घर नहीं थे, आज उन लोगों के दुबई तक घर हैं, कोठियां हैं। तो लोगों ने जब देखा है कि अब जो इनके लीडर थे वो काफ़ी दूर चले गए, अब इनने नए लीडर तैयार किए हैं, नए लोगों के साथ हैं और ये चाहते हैं, अब ऐसा लग रहा है कि ये नई ईंटें जो है मिलके एक नया मकान। सरकार साहब की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है, मैं आप लोगों का एक तकरीर में कहा है, मैं आप लोगों का बच्चा हूँ, गरीब हूँ, तो आप बोल रहे हैं कि लंदन में पेरिस में ये क्या है? सर देखें वो तो दिख रहा है यहाँ पे, सर उनके पास जो है काफ़ी बड़ी संपत्ति है, वो कम से कम भी उनके पास 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो जो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप चेक करेंगे, जैसे उनके जो बैंकेट हॉल बने हुए हैं, जो उनके पास एसेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जो ये गरीब आवाम है ये वहीं के वहीं हैं, तो जो लीडर्स हैं इनके वो काफ़ी दूर चले गए। तो अब ये जो जावेद साहब यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये एक गरीब आवाम की आवाज है। बदल दो ताज, बदल दो तख्त, बदल दो ताज, बदल दो जावेद इकबाल साहब, जावेद साहब कदम बढ़ाओ। और जो लोग हैं ये सेकुलर लोग हैं, इनने सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ा है, और जैसे कि भाजपा पे जो सबसे बड़ी बात है, जो भाजपा के लीडर दिल्ली में बैठते हैं, जैसे जो आदित्य योगी जी हैं, उनके जो माइनॉरिटीज के लिए बयान आते हैं ये लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं है। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके जो बीजेपी की सरकार के जो बड़े लीडर हैं वह माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं, माइनॉरिटीज को दबाने की कोशिश करते हैं। तो आज जो फ्रंट्स बने हैं, जैसे कि रीजनल पार्टीज हैं, वो अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं, हर स्टेट के लोग अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ यहाँ पर नौजवान भी हैं जिन्होंने साफ तौर पर ही कहा है कि आप बताएं क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्या पोजीशन है? जी अल्लाह के फजल व करम से इस बार हमारी कंस्टिट्यूएंसी में मुकाबला ही नहीं है, ये वन साइडेड वेव है। नहीं है मुकाबला, क्या बात कर रहे हैं, कल बीजेपी की इतनी बड़ी रैली हुई है। ये दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से लोग लाए हुए थे, कोई डांगरी से लाया हुआ था, कोई दूसरी साइड से लोग लाए थे, रजौरी डिस्ट्रिक्ट, क्या बात कर रहे हैं जब हम बिल्कुल
सच बोल रहे हैं, आप आने वाली 8 तारीख को ये देख लेना, रमजान रिकॉर्ड बोल रहे हैं, या आप आने वाली 8 तारीख को ये बाहर चलाना। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की रैली में बाहर के बंदे थे, जो लोग वहाँ बैठे थे वो तो इधर के थे सर, पूरी डिस्ट्रिक्ट राजौरी डिस्ट्रिक्ट के थे, कंस्टिट्यूएंसी के लोग नहीं थे, कंस्टिट्यूएंसी के लोग नहीं थे। अगर जो जो कैंडिडेट यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो इतने पावरफुल होते तो फिर वो बीजेपी में जाकर जो बीजेपी का वोट था उस पर डाका क्यों डालने गए थे वो, और उससे पहले वो बीजेपी में कल तक वही ऑन रिकॉर्ड वही बोल रहे थे, जो भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाएगा वो उसी दिन खत्म होगा। अगर वो उनको ये बात, नौजवानों का रुख किस तरफ, नौजवानों का रुख सिर्फ जावेद इकबाल चौधरी, जावेद इकबाल चौधरी और जावेद इकबाल चौधरी। सर सर मैं चौधरी जुल्फकार साहब ने जो एक बात कही है ना कि मैं आपका बच्चा हूँ, हमारे जैसे हजारों बच्चों का उसने बेड़ा गर्क किया, आज तक हमारे पास तालीमी निज़ाम ठप है, रोडे नहीं है, कोई फैसिलिटी की चीज़ सर हमारे पास नहीं है। और दूसरी बात यह है सर कि डिवाइड एंड रूल है के उन उनकी जुबान में, हमारा ये है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, वो कहते हैं कहीं पे धर्म बनते हैं तो कहीं पे इस्लाम बनते हैं, कहीं हिंदू सिख ईसाई कहीं मुसलमान बनते हैं, हमारी महफल में आशा की यहाँ इंसान इंसान बनते हैं, वो एक ही जावेद साहब है, वो एक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? हम सोकड़ पंचायत से आए हैं, आपने कहा था पहले किसी मेरे साथी से सवाल किया था कि आप कैसे आ गए, हम हर पंचायत से दो दो तीन तीन वर्कर आए हैं। मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी सोच काम करती है कि हमारे साथ जो आने वाले लोग हैं, जो जुल्फकार इनके जावेद साहब के साथ चलने वाले लोग हैं, मियां इल्ताफ साहब को चाहने वाले लोग हैं, मैं तो इल्ताफ साहब तो नहीं आया, नहीं नहीं इसी जमात के आ रहे हैं ना वो, तो ये लोग जो हैं यहाँ मेरे ख्याल में इतनी जगह ही नहीं थी जहाँ उनको मिटाया जाता, इसलिए हमने ये फैसला लिया। जावेद साहब ने कहा कि ये पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा तो नहीं होगा, जावेद साहब तो आप कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कल जब इक्तदार में वो आएंगे आप लोगों को भूल जाएंगे, यहाँ पे तरक्की के नाम पे तरक्की होगी ही नहीं, या वही पुरानी बात है। वो सरपंच बने थे, हमने उससे आजमाया हुआ है कि वो जब कोविड थी तो बाकी लोग जाके पेरिस में और बाहर जाके आराम फरमा रहे थे, और जावेद इकबाल चौधरी बुद्धल पीढ़ी और खवास की सरजमीन पर था। जावेद साहब ने 3.5 या 4 सालों में नंगी तलवार की तरह लोगों की खिदमत की है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं कोटरंका में मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप ये लोग देख सकते हैं जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा काफ़ी मजबूत है। साथ ही साथ इन लोगों ने कहा है कि हमें इस वक्त के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मिले हैं हमने उन्हें पहले आजमाया हुआ है, और आने वाले समय में देखना अब ये होगा कि आने वाला जो वक्त है वो क्या कहता है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार वो किस पैटर्न पर जीत हासिल कर सकते हैं, या फिर भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो जीत हासिल कर सकते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा और वोटर्स ने ये चीज़ तय करनी है। उससे पहले कुछ कहना कबल वक्त होगा। फिलहाल राजौरी के कोटरंका आजाद।